हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह, अगेन बैक विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड दिस टाइम अगेन विद द यूएस वीज़ा। आपको पता है मार्च का वीज़ा बटन आउट हो चुका है, ठीक है, एंड इट हैज़ वेरी गुड चेंजेस इन न्यूज़। सो टुडे वील डिस्कस दैट ओनली कि क्या क्या यू नो चेंजेस हैं, किस कैटेगरीज को क्या फ़ायदा है, एंड टुडे वील ऑल्सो डिस्कस कि जो इंटरव्यू के नंबर्स हैं वो कितने बढ़ जाएंगे मंथली, ठीक है जी। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलरली वीज़ा बुलेटिन, कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस हैं। बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। आई नो बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, बट इफ़ यू लाइक कि दिस वीडियो शुड गो टू समबडी एल्स, प्लीज़ शेयर इट, ओके। And if you need any kind of help in immigration task, you can reach us on given numbers. ठीक है जी, चलो let's start the video. हाँ जी, तो as you know that March 2024 visa bulletin for family immigration is out, ठीक है। और अगर माना जाए experts की, तो this is the best visa bulletin ever been out. बड़ी changes के साथ out हुआ है। इसमें काफ़ी गुड न्यूज़ फॉर है, अलग अलग कैटेगरीज बहुत आगे मूव हुई हैं, विच वॉज नॉट सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इसका जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट तो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग पे होगा, ग्रीन कार्ड्स पे होगा, इशुएंस पे, इंटरव्यू डेट्स पे होगा। विल टॉक अबाउट इट कि आज जो मूवमेंट हुई है वो तो बात करेंगे, कि इंटरव्यू की जो नंबर ऑफ इंटरव्यूज भी जो इशू होंगे ना, विल डिस्कस दैट टू, वो ही बताऊँगा आपको मैं, ठीक है जी। आपको यू नो एज ऑल यू नो दैट जो वीज़ा बुलेटिन है, हर मंथ की 7 तारीख से लेके 15 के तक यू नो इशू किया जाता है बाय यूएससीआईसी, ठीक है। वो अगले महीने का प्रेसिडेंट शो करते हैं कि ये जो है दिस इज़ व्हाट इट गोना बी, ठीक है। हर महीने इशू करते हैं, और उसमें टेबल दो होते हैं, लाइक एक टेबल ए, टेबल बी। टेबल ए में क्या यूजली क्या होता है जी, जो डिटेल देती है फाइनल एक्शन डेट्स फॉर योर काउंसलेट इंटरव्यूज, जो कॉन्स्टेंट इंटरव्यू डेट होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, वो टेबल ए होता है। और टेबल बी होता है, दैट इज दैट गिव्स यू राइट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना जी। जो टेबल बी होता है, जो डेट ऑफ फाइलिंग होती है, उसके यू नो आइडिया आपको देता है, जो डेट्स देता है आपको मंथ ईयर वट एवर, ठीक है ना। सो ये तो एक ओवरऑल बताया कि चलो वीज़ा बुलेटिन में क्या होता है, कब इशू होता है। नाउ विल स्टार्ट वन बाय वन फॉर ईच कैटेगरी कि क्या मूवमेंट हुई है, ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर बात करूँ F1 कैटेगरी, अनमेरिड चिल्ड्रन ऑफ यू एस सिटीजन, ठीक है। अगर इस पर बात करूँ मैं, तो ये जो मूवमेंट है इसमें लाइक अर्ली इट वॉज फ्रॉम January 1, 2015 इट इज़ मूव टू February 8, 2015। सो इसमें 1 महीना 8 दिन की प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। तो इट्स गुड, हुई तो है प्रोग्रेस। सो इट्स 1 month 8 days, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ F2A कैटेगरी की, तो F2A कैटेगरी भी मूव हुई है, एंड इट मूव फ्रॉम February 8, 2022 to June 22, 2020। तो इसमें तो ह्यूज हुई है जी मूवमेंट, 4 महीने 14 दिन, लाइक 4 month 14 days मूव्ड अहेड। तो यू कैन गेट अ गुड नंबर ऑफ यू नो अप्रूवल्स एंड इंटरव्यूज फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है जी। सो ये तभी मैंने बोला था, ये जो पर्टिकुलर वीज़ा बुलेटिन है, इट्स वेरी यू नो इम्पोर्टेंट फॉर दिस कैटेगरीज, इमिग्रेशन कैटेगरी। चलो आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट वन F2B कैटेगरी की। अब F2B कैटेगरी में जो मूवमेंट हुई है, दैट इज़ लाइक October 1, 2015 था जी पहले जो डेट्स थी। जो नई डेट है, दैट इज़ November 22, 2015। सो ये जो है, ये भी 1 month 21 days मूव हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी मूवमेंट हुई है। पहले क्या होता था, कुछ डेट्स ही मूव होती थी आगे, ठीक है। तो मंथ जो थे यूजली बहुत लेट मूव होते थे, बट नाउ ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी इज मूव्ड। अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ जी, F3 कैटेगरी। अब F3 कैटेगरी में इट वॉज अर्लियर इट वॉज अप्रैल 22, 2009 थी। अभी जो हो गई है, दैट इज़ October 1, 2009। सो इट इज़ मूव्ड 5 month 9 days। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इट्स अ ह्यूज मूवमेंट, बहुत खुशी की बात है इस कैटेगरी के लोगों के लिए, बिकॉज नाउ दे गना गेट
ऑलमोस्ट जो 4 से 5 महीने के जो वेटिंग टाइम पीरियड था एकदम से उन्होंने कम कर दिया, हम सभी को इंटरव्यू लेटर्स इशू होंगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर दिस कैटेगरी। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ F4 कैटेगरी। आपको पता है ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए जो फाइल किया जाता है वीज़ा, उसकी कैटेगरी, उसमें मूवमेंट हुई है जी। इट वॉज अर्लियर नवंबर 15, 2005, नाउ इट इज़ दिसंबर 15, 2005। सो इट इज़ 1 month मूवमेंट, तो इट इज़ गुड। काफ़ी महीने से पीछे बुलेटिन्स में इट वॉज नॉट मूविंग, इट वॉज जस्ट ऑल दोज मंथ्स ओनली, एक एक मंथ 3-4 महीने में होता था, तो अभी इसमें फिर 1 month की मूवमेंट हुई है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो बुलेटिन आई वुड से। ये जो बुलेटिन इस बार इन्होंने इशू किया है, इसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी। एंड इट इज़ नॉट कि दूसरी कैटेगरी जैसे F4 है या जिसमें कम मूवमेंट हुई है, महीने की हुई है, वो नहीं मूव हुई है। दे आर वर्किंग, क्योंकि होता क्या है, आपको पहले भी मैंने बताया कि इनकी कोटे जो होते हैं ना, कोटा बहुत बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा बैकलॉग है इनमें, है सबसे ज़्यादा फाइलें F4 कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मूवमेंट है, इट इज़ यू नो अप्रिशिएटेबल है कि हाँ थोड़ा मूव हुए हैं। ठीक है, ये तो थी जी इनकी डेट्स मूव हुई हैं। अब मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ जी, जो इंटरव्यूज़ होंगी कितनी होंगी, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़। इफ़ आई टॉक अबाउट F1 कैटेगरी, अर्लियर इट वॉज यू नो ऑलमोस्ट 500 इंटरव्यूज़, 500 इंटरव्यू इशू होती थी मंथली। ठीक है जी, अब वो जो प्रोजेक्टेड नंबर है, दैट वुड बी 1500 इंटरव्यूज़ इन अ मंथ इस कैटेगरी की, F1 कैटेगरी की। ठीक है जी, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ F2A की, तो उसकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑलमोस्ट 1200 इंटरव्यूज़ विल बी इशूड पर मंथ। जी हाँ, पहले इतनी नहीं थी, पहले कम थी, वो भी अराउंड अबाउट यू नो 100, 200, 300 थी। अभी वो 1200 इंटरव्यूज़ इशू करेंगे पर मंथ। मैं ये स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं F2B कैटेगरी की बात करूँ, F2B कैटेगरी, F3 कैटेगरी एंड F4 कैटेगरी, इन तीनों की जो प्रोजेक्टेड इंटरव्यूज़ अब जो जो इशू की जाएंगी, दैट विल बी मोर देन 7000 पर मंथ कमिंग, जो आगे 3 महीनों में करेंगे, 7704, लाइक 7704 इंटरव्यूज़ विल बी इशूड यू नो टू द एप्लीकेंट्स फॉर दीज कैटेगरीज। पर्टिकुलरली सबकी अलग अलग कह रहा हूँ मैं, F2B की अलग 7000 से ज़्यादा, F3 की 7000, F4 की 7000 आने वाले 3 महीनों में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन जो इंटरव्यू की मैंने आपको दी है, ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है जी कमिंग दिस ईयर में, जो आपको बहुत से लोगों को अप्रूवल्स डेट्स प्रायोरिटी यू नो प्रायोरिटी डेट करंट हो जाएंगी, बहुत से लोगों को लेटर्स आएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच, अभी 1 महीने के अंदर अंदर सबको जल्दी जल्दी जो यू नो नियर बाय मंथ्स में हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, यू विल गेट द लेटर्स फ्रॉम NVC USA ऐसे जो भी है। ठीक है ना, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2024, उसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट होने की उम्मीद है जी, बिकॉज USCIS जो है NVC, दे आर वर्किंग हार्ड टू यू नो रिड्यूस द बैकलॉग एंड इशू वीज़ा टू यू गाइज, जितने इंटरव्यू कर सकते हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक है, एंड यू नो होपफुली दिस ईयर 2024 विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है, एंड मैक्सिमम वीज़ा विल बी इशूड। चलो, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे, आई होप यू गाइज कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स टू। ठीक है जी, चलो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।